नारद संचार आर्थिक समाचार के इस ताजा अंक में हमारे दर्शकों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा चालू वित्त वर्ष की पहली अनुपूरक अनुदान मांगों पर दिए गए जवाब के बारे में और चीन के साथ ही अमेरिका, जापान तथा कुछ अन्य देशों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने के बाद भारत में शेयर बाजार और आर्थिक गतिविधियों पर पैदा हुई चिंता के बारे में और सरकार द्वारा मुफ्त राशन योजना को दिसंबर 2023 तक बढ़ाने और वन रैंक वन पेंशन का दायरा जुलाई 2019 तक बढ़ाने के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वित्त मंत्री के राज्यसभा में दिए गए जवाब की। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में अनुपूरक अनुदान मांगों का 3.25 लाख करोड़ रुपए का पहली जो किस्त संसद में रखी थी उसमें उसको राज्यसभा में चर्चा के बाद राज्यसभा द्वारा मंजूरी के बाद उसको संसद की मंजूरी मिल गई है। तो सरकार ने 3.25 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च करने की संसद से मंजूरी ली है। ये खर्च जो है जो खाद्यान्न है, खाद्यान्न जो मुफ्त लोगों को दिया जा रहा है उस पर सरकार के खजाने का जो अतिरिक्त खर्च आ रहा है, उर्वरक पर सरकार जो बहुत बड़ी सब्सिडी दे रही है क्योंकि उर्वरक विश्व बाजार में इसके दाम काफ़ी ऊँचे हैं जबकि देश में इसे पुराने दाम पर ही किसानों को दिया जा रहा है, तो इसमें भी सरकार का बड़ा खर्च हो रहा है और ईंधन पर जो खर्च हो रहा है, तो इन सब पर मिलाकर करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च करने की सरकार ने संसद से अनुमति ली है जो कि राज्यसभा द्वारा इसे मंजूरी के बाद उसे मिल गई है। और वित्त मंत्री ने कहा है कि इस खर्च को हम जो हमारी राजस्व वसूली चालू वित्त वर्ष में ठीक ठाक चल रही है उससे ही हम पूरा कर लेंगे और जो वित्तीय घाटा है चालू वित्त वर्ष का वो 6.4% के दायरे में ही रहेगा। ये बजट में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष में वित्तीय घाटा 6.4% रहेगा। पिछले साल ये 6.9% रहा था, इस साल इसे 6.4% रखने का अनुमान रखा गया है और अब अतिरिक्त खर्च जब हो रहा है तो तब भी सरकार कह रही है कि ये इतना ही रहेगा। वित्तीय घाटा होता है कि सरकार की कुल प्राप्ति और कुल खर्च उसका जो अंतर होता है उसको वित्तीय घाटा कहा जाता है। ये 2022-23 का जो सरकार का पूरा बजट है ये 39,44,909 करोड़ रुपए का, यानी इतना खर्च इस साल सरकार ने करने के बारे में बजट में अपना अनुमान रखा था। अब इसमें बढ़ोतरी भी हो रही है तो ये खर्च सरकार राजस्व प्राप्ति से और कुछ दूसरे मंत्रालयों का जो भी जितना उनको आवंटन किया गया है उसमें जो बचत होगी उससे जो है ये पूरा खर्च किया जाएगा और सरकार ने कहा है कि उसका घाटा नहीं बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं कि एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने को लेकर दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में जो चिंता बढ़ी है तो भारत में भी ये चिंता देखी जा रही है। चीन में पिछले दिनों कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं, कोरोना का नया स्वरूप वहाँ जो है कहर ढा रहा है और इससे पिछले सप्ताह सोमवार से शुक्रवार का जो कार्य दिवस रहा है तो लगातार शेयर बाजार में गिरावट रही है और शुक्रवार को जो बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स है वो 980.93 अंक गिरकर 59,843.29 अंक पर बंद हुआ, यानी 60,000 अंक से नीचे आ गया। पिछले कुछ समय पहले ये 62,000 से भी ऊपर पहुंच गया था सेंसेक्स बम्बई शेयर बाजार का, लेकिन लगातार गिरावट आने के बाद ये 60,000 अंक से नीचे 59,843.29 अंक पर आ गया। वहीं जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी है जिसका दायरा बड़ा है, जिसमें 50 बड़ी कंपनियों के शेयरों को उसमें गणना की जाती है, वो भी 18,000 अंक से नीचे आ गया। शुक्रवार को इसमें 299.80 अंक की गिरावट आई और ये 17,827.55 अंक पर आ गया। तो कारोबारियों को ये चिंता सता रही है कि कहीं फिर से दोबारा से लॉकडाउन ना होने लगे और कोरोना के मामले तेज़ी से बढ़ेंगे तो आर्थिक गतिविधियों पर उसका असर पड़ेगा। वहीं जो चीन को जो निर्यात करते हैं और चीन से जो आयात होता है उसके भी बाधित होने की चिंता उनको सता रही है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान का काफ़ी कुछ चीन से आयात किया जाता है, परिधान के विनिर्माता भी उसका जो रॉ मटेरियल है वहाँ से इम्पोर्ट करते हैं, सोने और हीरा के निर्यातक का भी चीन के साथ बड़ा कारोबार है। और वहीं जो चीन को निर्यात जो यहाँ से किया जाता है उसके कारोबारी भी चिंतित हैं कि
कि कोरोना के बढ़ने से ये सब जो है इसमें बाधा आ सकती है, तो इसका असर बाजार पर हमें दिखाई दिया। अब हम बात करते हैं कि सरकार ने जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने एक बड़ा फैसला शुक्रवार को किया है 23 दिसंबर को, कि सरकार ने जो मुफ्त राशन सरकार दे रही है, कोरोना के बाद लगातार सरकार जो है देश में राशन की दुकानों से गरीबों को मुफ्त राशन दे रही है, और जो 2 रुपये, 1 रुपये, 3 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये के अब जो गरीबों के लिए जो राशन दिया जाता था उसको भी सरकार ने बंद कर दिया और मुफ्त राशन दे दिया, कोई पैसा उनसे नहीं लिया जाएगा। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत जो राशन जिन लोगों को दिया जाता है उनको अब दिसंबर 2023 तक, यानी अगले पूरे साल दिसंबर 2023 तक मुफ्त राशन जो है राशन की दुकानों से मिलेगा। 81 करोड़ 35 लाख लोगों को जो है इस योजना का लाभ मिलेगा, और इस पर सरकार का करीब 2 लाख करोड़ रुपए का सरकारी खजाने पर बोझ पड़ेगा। तो ये अगले साल के बजट में इसकी व्यवस्था होगी जो अगले साल का बजट सरकार पेश करेगी, लेकिन ये 2 लाख करोड़ रुपए सरकार को जो है इस पर अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा। इसमें जो सामान्य परिवार हैं उनको 25 किलो और अंत्योदय अन्न योजना के तहत जो परिवार आते हैं, जो अत्यंत गरीब परिवार हैं, उनको हर महीने 35 किलो अनाज जो है ये दिया जाता है, और ये अनाज अब उनको दिसंबर 2023 तक मुफ्त दिया जाएगा। अभी ये दिसंबर 2022 तक ये स्कीम थी कि मुफ्त मिलेगा, लेकिन अभी एक साल और इसको बढ़ा दिया गया है। और एक महत्वपूर्ण फैसला जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिया है, वन रैंक वन पेंशन, जो सेवानिवृत्त पूर्व सैनिक हैं उनको वन रैंक वन पेंशन योजना के तहत उनको फायदा दिया गया है। पहले 1 जुलाई 2014 से पहले जो सेवानिवृत्त हुए थे पूर्व सैनिक उनको जो है वन रैंक वन पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा था, अब इसको ये बढ़ाकर कर दिया 1 जुलाई 2019, यानी 1 जुलाई 2019 से पहले जो भी सैनिक रिटायर हुए हैं सेवानिवृत्त हुए हैं उनको वन रैंक वन पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा, यानी उन्हें बड़ी हुई पेंशन मिलेगी। और इसमें जो सरकार ने जो जानकारी दी है सरकारी विज्ञप्ति में जो कहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो सशस्त्र सेना के कर्मी हैं और उनकी जो फैमिली पेंशनर है, ये फैमिली पेंशन जो लेते हैं उनको भी इसका लाभ दिया जाएगा। तो वन रैंक वन पेंशन योजना के तहत 1 जुलाई 2019 तक उसका दायरा बढ़ा दिया है, और इससे 30 जून 2019 तक जो रिटायर हुए हैं करीब 25,13,000 सेवानिवृत्त कर्मियों को इसका और इसका लाभ मिलेगा, और इसमें जो है 23,638 करोड़ रुपए का सरकार जो है उनको एरियर देगी। जो 2019 से अभी 2022 चल रहा है, तो 2019 से अगर लागू कर रहे हैं तो करीब 3 साल का उनको एरियर मिलेगा, और ये एरियर 23,638 करोड़ रुपए सरकार ने जो अनुमान लगाया है वो दिया जाएगा। और इससे जो सालाना सरकार का बजट है जो अब तक चल रहा था, तो उसमें अब जो सालाना बजट है अब 30 जून 2019 तक के सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों को इसमें शामिल किया गया, तो हर साल जो है सरकार को 8,450 करोड़ रुपए का अतिरिक्त जो है उसके बजट पर बोझ पड़ेगा। मतलब पहले जितना दे रही थी अब उसमें 8,450 करोड़ रुपए और उसमें बढ़ जाएगा। और सरकार ने जो एक टेबल इसमें दी है विज्ञप्ति में, रैंक वाइज लाइकली एस्टिमेटेड इंक्रीज इन रुपीज इन सर्विस पेंशन अंडर OROP विद इफेक्ट फ्रॉम July 1, 2019, इसमें कहा गया कि जो सिपाही रैंक के जो पेंशनर हैं, तो जिनकी एक जनवरी 2016 को जिनकी पेंशन 17,699 रुपये थी, अब 1 जुलाई 2019 को जो रिवाइज पेंशन है उनकी वो 19,726 रुपये हो जाएगी। 17,699 से बढ़कर 19,726 रुपये 1 जुलाई से उनकी पेंशन हो जाएगी जो रिवीजन के बाद जो होगी, और उनको 1 जुलाई 2019 से लेकर 30 जून 2022 तक 87,000 रुपये का एरियर दिया जाएगा। इसी तरह जो नाइक हैं उनकी 18,427 रुपये 1 जनवरी 2016 को थी, 1 जुलाई 2019 को 21,101 हो जाएगी, 1,14,000 रुपये का उनको एरियर मिलेगा 1 जुलाई 2019 से लेकर 30 जून 2022 तक। हवलदार 20,066 रुपये उन्हें मिल रहे हैं 1 जनवरी 2016 को, अब उनकी 21,782 रुपये हो जाएगी, 17,000 का उनको ये एरियर मिलेगा। इसी तरह
जो नायब सूबेदार हैं उनकी पेंशन 1 जून 2016 को 24,232 रुपये और जुलाई 2019 में हो जाएगी 26,800 रुपये, 1,08,000 का एरियर मिलेगा। सूबेदार मेजर 33,526 थी, अब 37,600 रुपये होगी, 1,75,000 रुपये का उनको ये एरियर मिलेगा 1 जुलाई 2019 से लेकर 30 जून 2022 तक का ये आंकड़ा उन्होंने दिया है। इसी तरह मेजर उनको 61,205 रुपये मिल रही थी, अब जुलाई 2019 में रिवीजन के बाद हो जाएगी 68,550 रुपये और 3,05,000 का उनको एरियर मिलेगा। और लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल सब के बारे में इसमें दिया गया है। तो इसमें जैसे लेफ्टिनेंट कर्नल उनका दिया गया 84,330 रुपये थी 16 में, अब 95,400 रुपये हो जाएगी और 4,50,000 रुपये का करीब उनको एरियर मिलेगा। तो सरकार ने जो वन रैंक वन पेंशन का दायरा जो है उसे अब बढ़ाकर 1 जुलाई 2019 तक कर दिया है। 1 जुलाई 2019 यानी 30 जून 2019 से तक जो सेवानिवृत्त हुए हैं उनको सबको वन रैंक वन पेंशन का लाभ दिया जाएगा। तो ये पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को, ये फैमिली पेंशन वालों को भी इसका लाभ मिलेगा, जो पूर्व सैनिकों की जो विधवा हैं उनको भी इनका ये लाभ दिया जाएगा, ये सरकार ने इसमें कहा है। तो ये थी बात वन रैंक वन पेंशन की और राशन प्रणाली की। और इसके साथ ही कोरोना के बारे में जो हमने कहा कि कोरोना की वजह से शेयर बाजार और अर्थव्यवस्था में तमाम जो है इसका जो है असर देखा जा रहा है, लेकिन सरकार की जो नवंबर 2022 की मासिक आर्थिक रिपोर्ट जो कि वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग ने जारी की है उसमें अर्थव्यवस्था की जो है मजबूत तस्वीर पेश की गई है। ये नवंबर 2022 की रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें कहा कि चालू वित्त वर्ष के पहले 6 माह अप्रैल से लेकर सितंबर तक जो आर्थिक वृद्धि दर रही है वो 9.7% रही है, जो कि दुनिया के तमाम देशों में सबसे ज़्यादा है। अमेरिका में इस दौरान 1.8%, जापान की 1.7% और चीन की वृद्धि दर इन 6 महीनों में 2.2% रही है, जबकि भारत की 9.7%। यानी भारत में आर्थिक गतिविधियां अच्छी पड़ी हुई हैं। मुद्रास्फीति अक्टूबर से नरम पड़ रही है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति नवंबर में कम होकर 11 महीने के निचले स्तर पर आ गई, 5.88% रही है, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। और इसमें कहा गया है कि प्राइवेट जो निजी क्षेत्र का निवेश है वो भी बढ़ रहा है, PLI योजना का अच्छा असर दिख रहा है और सरकार जो है प्रत्यक्ष विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रभाव भी जो है वो ठीक ठाक बना हुआ है। विदेशी संस्थागत निवेशकों का प्रभाव भी फिर से बढ़ रहा है और विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति भी अच्छी है। और इसमें कहा गया कि हमें अब जो है जो मीडियम टर्म जो अगले 1-2 साल की चुनौतियां हैं उनकी तरफ हमें अपना ध्यान रखना चाहिए और टेक्नोलॉजी को, नई नई तकनीक को अपनाना चाहिए और जो रिसोर्सेज फॉर एनर्जी ट्रांजिशन ऊर्जा का जो स्थानांतरण है, ऊर्जा का के लिए जो है उसके संसाधनों को हमें और बेहतर बनाना होगा। तो ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। इसके साथ ही हम अभी अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप हमारे वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। नमस्कार।